खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई, खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई, और पुरवा के साथ साथ वो बह कर चली गई, और आंखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया, आंखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया, माँ बाप तो माँ बाप है कह कर चली गई, माँ बाप तो माँ बाप है कह कर चली गई। जीवन में जीते जागते संघर्ष राम जी, क्या बात है, जीवन में जीते जागते संघर्ष राम जी, और रघुकुल परंपरा के हैं उत्कर्ष राम जी, और दुनिया लगी है इन दिनों माया समेटने, दुनिया लगी है इन दिनों माया समेटने, और धरती पे एक त्याग के आदर्श। क्या बात है, जो आज तक चैनल से उनके लिए आमंत्रण आया था, लेकिन यहाँ पर हाँ कहने के कारण, अपने सभी साथियों से मिलने जुलने के कारण उन्होंने उस कार्यक्रम को आज मिस कर दिया, जमुई के नाम कर दिया। तो आज तक चैनल में होली का होलिकोत्सव में रिकॉर्डिंग होने वाली थी, और आज फोन आया तो वो नहीं गए वहाँ पर। आपके ही माटी के बड़े ही ये संजीदा गीतकार हैं दिनकर पाठक जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, सम्मान करें। उनके सम्मान में बस दो पंक्तियां मैं गीत की एक वानगी देना चाहता हूँ कि जब भी मौसम ने गजल मेरी सुनाई होगी, जब भी मौसम ने गजल मेरी सुनाई होगी, तो कई रातों में उन्हें नींद न आई होगी, कई रातों में उन्हें नींद न आई होगी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए, आपके सामने प्रस्तुत है दिनकर पाठक, अपने माटी के बहुत ही लाडले गीतकार। शब्द की अधिष्ठात्री देवी माँ बीड़ा पाणी को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, सामने उपस्थित सभी विद्वान श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी, भूपधर अलवेला जी हमारे पास चाक घाट आए हुए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मेरे पास 2-2 बजे रात इन्होंने फोन किया है कि दिनकर भाई बहुत डरा हुआ हूँ, यह कार्यक्रम कैसे होगा, ईश्वर जाने। मैंने बोला ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए। और यहाँ आने के बाद मुझे यह पता चला, आज सुबह से मैं यहाँ पर हूँ, कि जमुई जैसा गांव जिसका हो, और जमुई जैसे गांव के श्रोता आपके गांववासी जब इतने सुंदर हों, इतने सहयोगी हों, 20 व्यक्ति लगातार इस मंच पर उपस्थित रहे सुबह से, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार जोरदार ताली आगे से पीछे तक हाथ ऊपर उठाकर भूपधर अलवेला जी और इस पूरे गांव के लिए बजा दीजिए, आप सभी का धन्यवाद। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ माँ शारदे के नाम। अजय शंकर दादा ने माँ शारदे की वंदना की, वहीं से बात शुरू करता हूँ। सुनेगा कि पीर पराई अपनी होती मन चंदन हो जाता है, पीर पराई अपनी होती मन चंदन हो जाता है, नीर आचमन से क्षण में मन अभिनंदन हो जाता है, और निस्वार्थ भावना में उपजे यह शब्द इतने पावन है, केवल इनको पढ़ देने से माँ का वंदन हो जाता है, माँ का वंदन हो जाता है। तब पढ़ता हूँ, सुनेगा कि सूखी थी जो जमीन अब तो सरस गई है, वाह, सूखी थी जो जमीन अब तो सरस गई है, और कहते हैं लोग खिल के फिर से दरस गई है, और जितने भी यहाँ लोग बैठे मुस्कुरा रहे, जितने भी यहाँ लोग बैठे मुस्कुरा रहे,
माँ शारदे की कृपा उन पे बरस गई है। क्या बात है, क्या बात है। माँ शारदे की कृपा उन पे बरस गई है। चौथी पंक्ति पर अगर आप तालियों की साज देंगे तो मुझे आनंद आएगा। हम कवियों के लिए एक ही ऊर्जा है, आपकी तालियां। चार पंक्तियां भगवान श्री राम के चरणों में रखता स्वागत है। सुनेगा कि यूं तो तुलसी बाबा ने भगवान श्री राम के लिए सब कुछ लिख दिया, कुछ भी बचाया नहीं, परंतु हमने भी उनके चरित्र का चित्रण करने की चार पंक्तियों में कोशिश की। आप सबका स्नेह मिले चौथी पंक्ति पर। सुनेगा कि जीवन में जीते जागते संघर्ष राम जी। क्या बात है भाई। जीवन में जीते जागते संघर्ष राम जी, और रघुकुल परंपरा के हैं उत्कर्ष राम जी। और दुनिया लगी है इन दिनों माया समेटने, दुनिया लगी है इन दिनों माया समेटने, और धरती पे एक त्याग के आदर्श। क्या बात है, जो बात है भाई, त्याग के आदर्श राम जी। चंपा जी का स्नेह मिल रहा है। चार पंक्तियां इस धरती के लिए पढ़ता हूँ, पूरे देश में जाता हूँ, परंतु जो आनंद, जो सम्मान मुझे अपनी अपनी धरती पर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। चार पंक्तियां सुनेगा कि मिलता है प्यार माँ तेरे आंचल की छांव में, मिलता है प्यार माँ तेरे आंचल की छांव में, और देखे हैं चारों धाम माँ तेरे ही पांव में। और दर्शन के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गया, दर्शन के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गया, और तेरे लिए ही दौड़ के आता हूँ गाँव में, तेरे लिए दौड़ के आता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लखन भैया बड़े भाई हैं, उनके लिए कहता हूँ कि लड़कपन बीत जाता है मोहब्बत में लड़ाई में, लड़कपन बीत जाता है मोहब्बत में लड़ाई में, और युवापन सिर्फ कटता है लिखाई में पढ़ाई में, और फिसलने की संभलने की कथा वो ही बताएगा कि जिसकी है पहाड़ों की चढ़ाई में। तो इनसे हम सीखते हैं कि संघर्ष कैसे किया जाता है। चार पंक्तियां उस पिता के लिए पढ़ता हूँ। अभी आदरणीय दादा कह रहे थे कि नाती को सबसे ज्यादा, नाती अगर सफल हो रहा है तो उनके बब्बा को सबसे ज्यादा खुशी होगी, और मैं जितना अलबेला जी को जानता हूँ तो उनके पिताजी जो काम भी भूपधर अलबेला भैया करते हैं तो उनके पिताजी कदम से कदम उनका साथ देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए उनके पिताजी के लिए। फिर उनके लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। सुनेगा कि परिवार में कई सदस्य होते हैं परंतु पिता की चमक अलग होती है। तब कहता हूँ, जीवन में आसमान से तन कर खड़े पिता, जीवन में आसमान से तन कर खड़े पिता, और छोटे हैं पर पहाड़ से ज्यादा बड़े पिता। क्या बात है, और माना गले के हार में मोती कई जड़े, माना गले के हार में मोती कई जड़े, और माथे पे घर के ताज में नग से जड़े पिता। वाह वाह वाह, क्या बात है। घर के ताज में नग से जड़े पिता। आदरणीय कुंवर बेचैन साहब जी ने कहा था कि सांचे में हमने और को ढलने नहीं दिया। रंग परिवर्तित करने की कोशिश करता हूँ, और जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं होली के लिए, वो बात शुरू करता हूँ। सुनेगा कि सांचे में हमने और को ढलने नहीं दिया, दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया, और चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, और हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। तब पढ़ता हूँ चार पंक्तियां की। खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई, खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई, और पुरवा के साथ साथ वो बह कर चली गई, और आँखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया, आँखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया, माँ बाप तो माँ बाप है कह कर चली गई, माँ बाप तो माँ बाप है कह कर चली गई।